मैम मुझे बताएं वॉट वॉज लाइफ लाइक ग्रोइंग अप आपके घर में कैसा माहौल था um, आपकी फैमिली कैसी थी एक्चुअली uh, अगर मैं पुरानी पुरानी बात करूँ इट माई फैमिली वॉज़ रियली कंजर्वेटिव अगर देखा जाए मैं बलोची कम्यूनिटी से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ औरतों की शादी जल्दी हो जाना लाइक पढ़ाई के बाद जॉब ना करने देना लाइक इंटर इज़ इनफ फॉर यू गेट मैरिड और uh, और उसके अलावा अगर मैं अपनी अम्मा की बात करूँ शी वॉज़ रियली एजुकेटेड शी वॉज बी ए पास एंड माई डैड वॉज़ इंटर पास फिर एजुकेशन के मामले में अगर मैं बताऊँ सो लाइक हमारे अगर घर की बात करूँ तो माई फैमिली वॉज रियली कंजर्वेटिव अबाउट दैट कि भाई लड़की है शादी करनी है आगे जाके तो फिर हम क्यों इतना पढ़ाएं हम क्यों पैसा वेस्ट करें दैट वॉज माई फैमिलीज माइंड इन दैट टाइम आपको कोई चाइल्डहुड हुड याद हैं जिससे um, आपका ये व्यू शेप हुआ हो कि फैमिली कंजर्वेटिव है किसी काजन की शादी या um, कोई ऐसा इंसिडेंट घर में आई एम एक्चुअली गोना नॉट टेक द नेम्स बट आई एम गोना शेयर अ स्टोरी सो मैं बहुत छोटी थी तो लाइक आई वॉज इन फाइव फो क्लास में भी तो उस वक्त मुझे आइडिया नहीं होता था ना मेरे पास मोबाइल होता था, था तो मॉम हैड अ बटन वाला मोबाइल नो किया तो उसमें ये होता था कि भाई कॉल्स आती थी तो yeah. एक बार अचानक से कॉल आए एंड आई पिकट आपके हेलो अस्सलाम वालेकुम आपको किससे बात करनी है एंड इट वाज अ रॉन्ग नंबर एंड इट वाज सेइंग कि भाई उससे बात करनी है इससे बात करनी है एंड आई वाज कंफ्यूज एंड देर वॉज अ फैमिली मेम्बर ऑफ मी ऑफ माई हाउस एंड मैं वहाँ गई मैंने उनको दिया एंड आई वॉज लाइक कि ये पता नहीं किसकी कॉल है रॉन्ग नंबर आया

अगर कोई राय मांगनी हो तो औरतों से ना मांगना कि लाइक वो क्या करेंगे वो इस मामले में क्या राय देंगे कोई ऐसा इंसिडेंट याद है इस चीज़ का एक्चुअली मुझे सही से याद नहीं है बट वन टाइम माई मॉम वॉज देयर एंड आई वॉज रियली यंग और ये सब इंसिडेंट जब मैं छोटी hmm. थी तब हुए थे तो एवरी वन वॉज गिविंग द ओपिनियन एंड माई मॉम शेयर हर ओपिनियन सो एवरी वन वाइक कि तुम क्यू देर यू ओपिनियन तुम्हें इस चीज़ का आइडिया है एंड माई मॉम वॉज सो एम्बेरिस्ट दैट शी स्टूडअप एंड गॉट अवे एंड उसके बाद मैं आज तक अम्मा को नहीं देखा so Although she was more educated than yeah. other people in the yeah. house, even some men. Yeah. उसके बाद I didn't see my mom, I didn't saw my mom के उनके बाद उन्होंने कोई भी डिसीजन के मामले में राय दी हो जब बच्चे ये सब चीजें देख रहे होते हैं तो उनके अंदर भी या तो बहुत उनकी सेल्फ स्टीम क्रश हो जाती है yeah. या फिर उनके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है हाँ.

उनको बहुत लाइक like, वो एग्रेसिव जो था उनके अंदर आया शी वॉज लाइक कि नहीं मैं नहीं करूँगी मुझे जितना भी मारो मुझे जितना भी कुछ बोलो मैं बोलूँगी एंड आई वॉज द स्केयर्ड वन कि मैं नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी तो मुझे ज़्यादा मार पड़ेगी इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ मैं पीछे ही रहती हूँ मार पड़ना बहुत कॉमन था आपके घर में या एक्चुअली इट वॉज रियली कॉमन कि छोटी छोटी बातों पर मार पड़ना लाइक like, एक बार ये हुआ था कि मैंने सलाम किया था मदरसे से आके आगे लाइक फैमिली मेम्बर अप कोई झगड़ा चल रहा था आई डोंट नो मैं छोटी थी फोर्थ क्लास में मे वी तो ही अप एंड उन्होंने मुझे इतनी थप्पड़े मारी इतनी थप्पड़े मारी कि मेरा गाल फट गया एंड आई वाज शॉक्ड एंड माई आप ही बच्ची है तुम लोग क्या करे उसके साथ या yeah. हाँ, yeah. तो किसी ने रोका नहीं like... नहीं. एक्चुअली मैम रियली रिलियस टाइप ऑफ पर्सन के घर के मामला किसी मामले में ख़राब ना हो शी वॉज लाइक कि कुछ भी हो घर का माहौल खराब ना हो तो किस रीजन के लिए इतना मारा था अपने निकालने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने, निकालने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करना ये हमारे घर पे बहुत होता था एंड इट वाज रियली कॉमन और हमें आदत हो गई थी कि हाँ फ्रस्ट्रेशन होती है तो हम भागते थे मैं भागती थी आप रियली बोल्ड शी वॉज लाइक कि तुम मारो मैं और ज्यादा बोलूँगी आई वॉज रियलीयर आई गॉट उसके बाद स्कूल में भी बुली होना and all that तो घर से जब सर्फेस टीम इतनी ज़्यादा क्रश हो गई थी तो फिर स्कूल जा के स्कूल तो... जा के I was really scared I was really scared child मैं डरती थी मैं घर पे आके नहीं बताती थी कि मैं बुली होती हूँ मुझे मार पड़ती है टीचर्स से and I was in five class और मेरी टी, एक टीचर थी उर्दू की एंड मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था एक्चुअली कंप्लीट था और मुझे आइडिया नहीं था कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं जो होते हैं उर्दू लैंग्वेज में सो so, उन्होंने भी मुझे इतने थप्पड़ मारे और उनके हाथ इतने भारी थे कि दिस साइड गॉट माई ब्रूस्ड एंड उसके बाद फिर मैं बात नहीं कर पा रही थी एंड मैं घर आई तब अम्मा को पता लगा कि एक्चुअली मैं इतना मार खाती हूँ स्कूल में मैं इतना बुली होती हूँ आफ्टर दैट माई मॉम वॉज कॉन्शियस कि हाँ अब नहीं करने देना अब ऐसा करने नहीं देना घर पे फिर भी नहीं बोलती थी बट स्कूल में आके वो लड़ती थी मेरे लिए कि नहीं घर पे एक्चुअली ऐसा माहौल बनाया हुआ था लाइक like, मैं अपने अम्मी को ब्लेम नहीं करती इस मामले में पहले बहुत करती थी लाइक यू यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ मैं इतना डरती हूँ मैं ये सब करती हूँ सब आपकी वजह से हुआ है बट अब जब बड़ी हुई हूँ तो उनकी मजबूरियाँ समझ आती हैं सो एक्चुअली शी वॉज़ एट फॉल्ट बट उस टाइम उन्हें भी आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रही हैं सो या आई थिंक वो भी उन्हीं का शिकार थी थी जो आप भी एक्चुअली शी रियली शी वॉज लाइक मी वो चुप रहती थी हर मामले में उन्हें बोलने से डर लगता था एंड शी वॉज रियली स्केय फॉर मी स्पेशली स्पेश तुम्हें सोसाइटी क्या कहेगी तुम दब तो नहीं जाओगी तुम घर पे तो छुप के नहीं बैठ जाओगे अगर तुम्हें सोसाइटी इतनी बातें सुनाएगी बाहर वाले इतनी बातें सुनाएंगे एंड आई टर्न आउट टू बी मोर स्ट्रांग और उन्हें भी आज मैंने बहुत स्ट्रॉग बनाया एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट

एंड शी वॉज नॉट एजुकेटेड उन्होंने भी इंटर किया हुआ था अब मेरी जो आप ही हैं शी वॉज़ रियली लाइक आई टोल्ड ड्यू शी वॉज रियली पोल्ड कि मुझे जो करना है वो मैं करके yeah. रहूँगी एंड मेरे घर में जो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू बच्ची हैं देट इज़ माई उनकी चीज़ें भी नहीं पसंद थी घर वालों को लाइक वो को एजुकेशन में पढ़ी हैं उनके इतने मेल दोस्त हैं वो घूमती हैं उनके साथ पता नहीं क्या क्या करती है एज़ आई टोल्ड यू कि मेरे फैमिली मेम्बर ने एक रॉन्ग कॉल पर मुझे इतने थप्पड़ मारे थे सो यू कैन इमेजिन कि मेरी आप ही के साथ क्या हुआ होगा लाइक शी यूज़ टू गेट लाइक बीट इन ऑल्सो एंड आफ्टर दैट ऐसी बहुत बातें होती थी जिनकी वजह से वो इतना रोती थी और उतना हम क्लोज भी नहीं थे उस वक्त मुझे लगता था कि वो गलत है कि लड़कों के साथ घूमती हैं उनके मेल फ्रेंड्स हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं बहुत आज़ाद ख्याल हो गई हैं ऐसे लड़कियों को नहीं होना चाहिए तो मैं उन्हें बहुत गलत समझती थी बट जब मैं बड़ी हुई और मुझे पता लगा कि वो यूनिवर्सिटी के लिए इतना स्ट्रगल कर रही हैं तो लाइक like, इतना स्ट्रगल क्यों करना रहा है पढ़ने के लिए लाइक इट्स ओके मैंने बोला अम्मा मेरी भी तो ख्वाहिश है कि मैं आगे जाके ये करूँ वो पढ़ूँ सब मतलब करूँ मैं घूमूँ मेरा तो शौक़ है कि मैं पूरी दुनिया घूमूँ एंड अम्मा लाइक हाँ तुम कर सकती हो शादी के बाद कर लेना लाइक शादी करना इतना ज़रूरी है तो लाइक हाँ तुम्हारे पास शोहर होगा उसे इजाज़त मांगनी पड़ेगी घूमना पड़ेगा उसके साथ घूमो कि नहीं मैं शादी तो नहीं करूँगी फिर जैसे मुझ पर अम्मा अब हुक्म चला रहे हैं वैसे मेरा शोहर मुझ पर हुक्म चलाएगा मुझे तो नहीं करनी तो उस वक्त मैं आप ही के पास गई थी एंड शी वॉज लाइक मैं तो पढूँगी मुझे तो करना है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड एवरी वन वॉज लाइक कि नहीं तुम नहीं पढ़ोगी मैट आई वॉज लाइक नो तुम नहीं पढ़ी आई वॉज रियली प्राउड मैं छोटी थी आई वॉज इन लाइक सेवन एट एट क्लास में भी आई वॉज रियली प्राउड के यार मुझसे तो कभी नहीं बोला जाएगा मुझसे कभी नहीं बोला जाएगा बट एटलीस्ट इट आई एम लाइक वाह यार वो पढ़ना चाह रही हैं एक्चुअली इट अब्बा दैट सपोर्टेड हर तो अबा वॉज लाइक पढ़ने दो उसे शादी नहीं करनी उसकी डॉक्टर एंड वॉज लाइक नई लड़कियों को ऐसे नहीं पढ़ाया जाता और वो गई भी हैदराबाद थी पढ़ने के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी हैदराबाद तो एवरी वन वज़ लाइक कि नहीं अकेली कैसी रहेगी वहाँ कैसे जाएगी अबा ओज लाइक उसे जाने दो भरोसा करो उस पर वो पढ़ना चाहती है उसकी हाइस्ट परसेंटेज आती है हमेशा से वो टॉप करती है उसे पढ़ने दो आफ्टर दैट मैंने देखा कि मेरे अब्बा का भी माइंड ओपन हो रहा है एंड ही इज़ लाइक कि हाँ तुम लोग को पढ़ना है क्योंकि उन्होंने माहौल देखा था एंड ही वॉज रियली स्केर्ड कि यहाँ पे ना लड़के पढ़ रहे हैं ना लड़कियों को पढ़ने दे रहे हैं आगे जाके किसी का शोहर उसे मार रहा है किसी का हस्बैंड काम नहीं कर रहा उसकी बीवी बेचारी पिस रही है काम कर रही है तो अब उनका थोड़ा uh, माइंड सेट चेंज हुआ या। शुरू हो गया था, दूसरों के एक्सपीरियंस उन्होंने पहली बार जब मैं मैट्रिक में, में थी तब मुझे बुलाया था अब्बा वाज लाइक कि बैठो मुझे तुमसे बात करनी है

ये नहीं कि इजाज़त मिले है, करना है नहीं करना तुम्हें करना पड़ेगा तुम्हें डिग्री लानी पड़ेगी तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा वो जो अच्छी औरतें होती हैं जिन्हें समझ बूझ होती है जिन्हें दुनिया देखनी होती है डरती नहीं है तुम्हें वैसी औरत बनना पड़ेगा नोज इतना प्राउड फील कर रही थी कि मैं रोना शुरू हो गई थी एंड मैं देट वॉज लाविन भाई क्राइम है नहीं मुझे नहीं लगता था कि आप मुझे आगे जाके पढ़ने दोगे ज़ लाइक नो बेटा तुम्हें जितना पढ़ना है तुम्हें मास्टर करना है तुम्हें एम फिल करना है तुम्हें बाहर जाना है मैं तब तक फीस भरूंगा बस पढ़ो आई वॉन्ट डिग्री दैट सेट तो आई वॉज़ रियली प्राउड फिर उन्होंने जब देखा कि मेरी आप इतना टॉप कर रही हैं इतना नाम कमा रही हैं तो ही वॉज रियली प्राउड ही वॉज लाइक कि हाँ मैंने अच्छा किया अपनी बेटी को पढ़ने दिया कि पढ़ना चाहती है तो और पढ़ेगी तो उसके बाद मैं ताया वॉज रियली सपोर्टिव और जितने आज तक तो अबू सपोर्टिव नहीं हुए उससे ज्यादा हमारे सपोर्ट में आ गया तो हाँ हमें था कि अगर ताया ने कुछ बोल दिया तो और कोई कुछ नहीं बोल सकता हम अच्छे से सब कर सकते हैं तो मैं भी रिबेलियस बन गई थी उस वक्त तक आवाज उठाना कि नहीं मुझे नहीं मारो मैं बोल दूंगी मैं केस कर लूंगी मैं ऐसे बोल देती थी एंड एवरीवन वन इज लाइक तुम केस करोगे जो हाथ आने वाला था वो पीछे हट जाता था

लेकिन like, मैंने देखा कि क्लास में इतने लोग नहीं हैं और ऐसा लग रहा है कि शादी का हजूम है ऐसे शोर आ रहे हैं मेरा सर दर्द कर रहा है मुझे सांस प्रॉपर्ली नहीं आ रही माय चेस्ट इज़ हर्टिंग एंड मुझे लेजिट लगा कि मैं मरने वाली हूँ एंड आई वाज क्राइंग हार्डली कि टीचर को बुला रही थी कि मेरे अब्बू को बुलाएँ मेरे अबू को बुलाएँ अच्छा उस वक्त तक माई अबू वॉज़ आउट ऑफ कंट्री और मुझे ये आइडिया था लेकिन मैं इतनी पैनिक हो रही थी कि आई वाज लाइक कि मेरे अम्मा को बुलाएं मेरे अबू को बुलाएं तो आफ्टर दैट जब मैं घर गई

और जब अगर मेरी फैमिली मेम्बर जो मुझे मारते थे वो आते थे तो मैं बिल्कुल जोन आउट हो जाती थी मेरी अम्मा मुझे ऐसे हिला रही होती थी कि क्या हो गया है बात करो और मुझे याद ही नहीं रहता था मैं कहाँ पे हूँ और जोन आउट होकर ख़ुद को हर्ट करना सेल्फ हार्म वो सब इतना नॉर्मल हो गया था कि मेरी अम्मा को लगा था कि मेरे ऊपर साया आ गया तो वो इलाज रूहानी ऑल दैट करना और उससे कोई असर नहीं पड़ना और ये भी एक स्टीरियोटाइप था कि मेरी बेटी पागल नहीं हो सकती अगर पागल होगी तो आगे जाके घर कैसे संभालेगी या कोई इसे एक्सेप्ट भी करेगा? तो वो मेरी अम्मा के अंदर डर आ गया था और मेरे अंदर भी आ गया था उन्होंने um, रूहानी इलाज के अलावा कोई और साइकोलॉजिकल हेल्प लेने की कोशिश की एक्चुअली जब मैं रूहानी इलाज के लिए जा रही थी इट वॉज माई बाजी ऑफ मदरसा की बाजी थी शी सै की इन्हें रूहानी मसला नहीं है अगर आयत पढ़ रही हैं सब कह रही हैं नमाज पढ़ सकती हैं तो इन्हें रूहानी मसला नहीं है तो उन्होंने मुझसे पूछे सारे सिम्टम्स तो मैंने सारे बताए तो उन्होंने मेरी अम्मा को बताया कि एनजाइटी होती है शी इज़ रियली इन एनजाइटी आप जाके डॉक्टर को दिखाओ तो मेरी अम्म so

तो उसके बाद ये हुआ कि अम्मा को पता लगा तो उन्हें तो शौक लग गया कि मेरी बेटी पागल तो नहीं हो सकती वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगी वो इस जगह जाएगी तो वो अपने आप में बहुत स्ट्रगल था कि अम्मा पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाएं फिर घर आके रोएं रोएं फिर अपने आप को कोसें कि नहीं मेरी वजह से हुआ है मैंने स्टैंड नहीं लिया इसके लिए फिर उस वक्त मुझे भी अम्मा को ब्लेम करना कि हाँ आपकी वजह से हुआ है अब्बा की वजह से हुआ है अगर आप लोग स्टैंड ले लेते तो शायद मैं ऐसी नहीं होती फिर मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने ब्लेम किया कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ अगर आप इसे मार खाने नहीं देती ये सब ठीक होता तो अभी आपकी बेटी कैसी होती तो वो बिल्कुल गिल्ट में चली गई थी मेरी वजह से और वो सारा गिल्ट मेरी अम्मा पे ही पड़ रहा था अब्बा यहाँ नहीं थे अब आउट ऑफ कंट्री दोनों पेरेंट्स का काम तो होता सारा है। जो प्रेशर था वो उन उनपे पड़ रहा था और मैं जोन आउट होकर खुद को सेल्फ हार्म कर रही थी उनको इतना डर हो गया था कि वो सो नहीं पाती थी तो एक लिहाज से मैं स्ट्रगल कर रही थी लेकिन मुझसे ज्यादा मेरी अम्मा स्ट्रगल कर रही थी और फिर वो था कि एक्सेप्ट नहीं कर पाना कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है और उनको बहुत वो शर्म फील होती थी कि मैं इतने सारे जो दिमागी तोज़न से ठीक नहीं है मैं उनके बीच में अपनी बेटी को लाई हूँ मेरी अच्छी बेटी आई वॉज लाइक अम्मा इट्स ओके होता रहता है तो शी वॉज नॉट लाइक एक्सेप्टिंग इट मैं मेडिसिन खाती थी मेडिसिन पे लग गई थी थेरेपी पे थी तो शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट तो वो मुझे थेरेपी में जाने नहीं देती थी लाइक तुम नहीं हो पागल तुम थेरेपी नहीं लोगे तो वो स्ट्रगल करना समझाना फिर मेरी थेरेपिस्ट ने कहा कि अपनी अम्मा को लेके आओ मैं थोड़े से अच्छे समझाऊंगी बट ना माय अम्मा वॉज लाइक तुम नहीं जाओगी तुम पागल नहीं हो तुम मेडिसिन खा रही हो तुम ठीक होगी बस दैट्स इट तो उसके बाद फिर वो अपने आप में ही स्ट्रगल था अम्मा को कन्विंस करना समझाना और उसके बाद फिर नॉर्मली बताना कि एन्जाइटी होती है सोचे तो लाइक हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था हमें तो इतने सारे स्ट्रेस होते थे हमें भी मार पड़ती थी एज तो लाइक मुझे नहीं पता आपके ज़माने में क्या आता था लेकिन शायद इस जनरेशन में ऐसा होगा कुछ लाइक मुझे तो ठीक होना है ना मुझे तो ख़राब नहीं होना मैं तो ठीक होने के लिए सब कर रही हूँ पॉजिटिव होने के लिए कर रही हूँ तो तब जाके मेरी अम्मा समझी कि हाँ एक्चुअली आई वॉज लाइक स्ट्रगलिंग तो मेरी वजह से वो भी स्ट्रगल कर है अगर मैं ठीक हो जाऊँगी तो वो भी ठीक हो जाएंगे तो उस चीज़ ने मुझे स्ट्रांग बना दिया तो ये अपने आप में ही स्ट्रगल था कि मेंटल हेल्थ और ये सिम्टम्स वगैरह और फिर डॉक्टरों का जज करना और अब आप कहाँ पे हैं अपनी लाइफ में अब आई एम रियली इंडिपेंडेंट आई एम हैप्पी आई एम पॉजिटिव आई एम एक्चुअली तो ये भी था कि मैं बहुत रिबेलियस थी बचपन से बाइकिंग के मामले में डर बहुत लगता था लेकिन वो था कि कज़न की बाइक की चाबी चुरा लेना फिर बाहर जाके बाइक स्टार्ट करना आता कुछ नहीं था मुझे पता था क्लच होता है क्लच पकड़ के बस छोड़ के रेस दे देना फर्स्ट गियर पे और फिर वो दीवार पे जाके लगी बाइक उस दिन के बाद से मैंने अपनी कज़न का चेहरा नहीं देखा क्योंकि मुझे डर लगता था कि मुझे मार पड़ेगी तो उसके बाद फिर अब्बा को पता लगना कि मुझे इतना बाइक का शौक है क्योंकि मैं जब भी अब्बा के साथ आगे या पीछे बैठती थी मैं ऐसे देख रही होती थी बाइक को कि हाँ क्लच होता है ये होता है रेस होता है वो गियर होता है अब्बा मुझे भी करना है तो अब्बा सिखाते भी थे उस वक्त तो अब्बा को आइडिया नहीं था ना कि मेरी बेटी आगे जाके बाइक की क्रेज़ में होगी गाड़ी चला लेगी तो फिर जब मैं इंटर में थी सेकेंड ईयर मैं अब्बा के पास गई वीडियो कॉल की अब्बा को अब्बा मुझे बाइक चाहिए अन अब्बा उस लाइक हाँ बेटा ज़रूर तुम्हें क्यों चाहिए भाई को ले कर दूंगा एवं नहीं अब्बा मुझे चाहिए बाइक का माहौल नहीं है और लड़कियाँ बाइक नहीं चलाती लाइक नहीं अब्बा मुझे चाहिए अन अम्बाज लाइक मैंने एक बार बोल दिया तो बस उसके बाद मैंने नहीं बोला अच्छा अम्मा उज रिली सपोर्टिव अम्मा को बहुत पसंद था जो लड़कियाँ बाहर बाइक चलाती थी और हमारे मोहल्ले साइड या किसी साइड कोई नहीं चलाता था नाजमाबाद साइड डिफेंस साइड तो अम्मा ने बहुत देखे थे तो वो अब्बा को एक बार डिजिट लेके गई फोर्स करके कि देखो लड़कियाँ चलाती हैं तो वो जो लड़की चला रही थी शी वॉज लाइक इतने छोटे बाल थे तो अब्बा ने वो स्टीरियो टाइप कर लिया कि अब मेरी बेटी भी इतने छोटे बाल कराएगी वो हेरबेंट पहनेगी मर्दों की तरह बाइक चलाएगी नहीं चलाएगी वो तो फिर मैंने खाना बंद कर दिया मैंने बात करना बंद कर दी वो सारा जो इमोशनल ब्लैकमेल मुझ पे आ रहा था मैंने उन पे डाइवर्ट कर दिया तो इज़ लाइक क्या चाहिए मुझे बताओ ना मुझे बाइक चाहिए तो इज़ लाइक ओके ले लो लेकिन एक शर्त है तुम नॉर्मल बाइक नहीं लोगी मुझे पता है तुम जाके नॉर्मल बाइक लोगी ना तो इज़ लाइक हाँ मैं नॉर्मल बाइक लूँगी तो इज़ लाइक नहीं तुम नॉर्मल बाइक नहीं लोगी तुम स्कूटी लोगी तो फिर मैंने अपनी कज़न के साथ गई स्कूटी पसंद की और मेरी अम्मा ने स्कूटी लेके दी मुझे अपने पैसों से At least it's a first step, right? Yeah. So बारकबाद दे रहे जैसे पता नहीं मेरा रिश्ता कन्फर्म हो गया <laughs> like, मुझे घर पे सब माही बुलाते लाइक like, माही मुबारक हो ये तो बहुत बड़ी काम हो गया तुम तुमने बहुत बड़ा काम किया मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था खुद पे कि फाइनली मैंने कुछ मैं कुछ चेंज लाई हूँ वो जो लड़कियाँ नहीं कर सकती यहाँ का भी पार्ट yeah, नहीं होती थी उस... और वो भी अपने बलोच मोहल्ले में और मुझे लगा था कि मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे अपने मोहल्ले से और इतना जो पॉजिटिव रिएक्शन मिला तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि सब इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं मेरे बाबले में वो जाके मुबारकबाद दे रहे हैं अब uh, मुझे कोई चीज़ पूछनी थी कि आपकी um, और मोहल्ले में लड़कियों ने बाइक चलाना शुरू किया आपके हाँ एक्चुअली मेरे बाद देर वॉज अ गर्ल उसने भी मेरी जैसी बाइक ली मुझसे ही चलाना सीखी एंड अभी मैंने रिसेंटली देखा था मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी हफ्ते दो हफ्ते पहले कि मेरी कज़न है बहुत दूर की कज़न है बट मोहल्ले में ही रहती है शी वॉज राइडिंग द नॉर्मल सेवेंटी बाइक और मैं शॉक हो गई थी कि वो नॉर्मल सेवेंटी बाइक चला रही है एंड उसका बाप ऐसे करके उसे देख रहा है प्राउड फील कर रहा है एंड आई वॉज रियली अच्छा वो मोमेंट इतना इमोशनल था कि मैगी मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा आपको पता है वो चला रही थी तो so बोला हाँ उसके अब्बा ने मुझसे पूछा था कि आपकी बेटी कैसे चला रही है सही चलाती है मुझे भी अपनी बेटी को सिखाना है वो थोड़ा मजबूत हो तो आई वॉज़ रियली प्राउड एट दैट मोमेंट कि हाँ मैंने कुछ चेंज किया अपने मोहल्ले में एंड बलोची कम्यूनिटी में मैंने चेंज किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इट वॉज़ रियली गुड